गाइस ये अंगोरा रैबिट के बच्चे जो मैंने पिछली वीडियो में डाला था, ये उन्हीं के बच्चे, काफी क्यूट से बच्चे है। अभी ये 18 दिन के हो चुके और अभी ये दूध ही पीते, कुछ खाना इन्होंने स्टार्ट किया नहीं है। इसमें से दो काफी हेल्दी है, ये हो गया और ये दोनों छोटे हैं अभी। तो आज हमने इन्हें बाहर निकाला था तो सोचा वीडियो बना लूँ। इन्हें ज़्यादातर मैं बाहर नहीं निकालता, उनके सेटअप में रखता हूँ, ऐसा बाहर का क्लाइमेट सूट होता है, इन्हें होता है। इनके माँ बाप की वीडियो मैंने ऊपर डाली है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। अभी हम इन्हें बॉक्स के बाहर निकालते और इनके एक्टिविटीज़ आपको दिखाते। अभी इन्हें मैंने बॉक्स के बाहर निकाला है, आप देख सकते हैं कितने एक्टिव है और कितने फ्रेश है। काफ़ी शरारत करते और यहाँ से वहाँ भागते हैं, एक जगह पर रुकते ही नहीं है। एक वहाँ पर चला गया, पकड़ता लाते चल बेटा। ये सबसे बड़ा है इन चारों में और काफी एक्टिव है ये। जब इतने छोटा कैसे भाग रहा है ये दो उनमें काफ़ी छोटे हैं। टोटल ये 6 थे, इनमें से दो मर गए, शायद से वीक थे इसलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाए। अब देख सकते हो खाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ दिनों में खाना भी स्टार्ट कर देंगे। वैसे जो बड़े वाले भी हैं अंगोरा रैबिट, तो खाने का कुछ प्रॉब्लम है नहीं, जो डालते हो सब खाते हो। ये एक बाहर चला गया, एक जगह पर रुकता ही नहीं है। चल बेटा देखो, इतना शरारती और नोटी। तो गाइस अभी काफ़ी टाइम हो गया है तो इन्हें इनके सेटअप में वापस से डाल देते हैं। ज़्यादा देर बाहर रखना भी इनके लिए अच्छा नहीं। चलिए तो ये इनकी माँ है, देख सकते हैं कैसे देख रही है। ये काफ़ी देर से ढूंढ रही थी शायद से, वन बाय वन करके इन्हें हम इस मटके के अंदर डाल सकते हैं। ऐसा सेटअप मैंने बनाया हुआ इनके लिए, मैंने सिर्फ मटका ऐड किया था कि अंदर बाल वगैरह सब इनकी माँ ने किया है सेटअप बच्चे देने से पहले। वन बाय वन करके हम इन्हें अंदर डाल देते हैं। जाओ अच्छा, ये सेटअप के बाहर भी आते हैं फिर से वापस से अंदर चले जाते हैं। शायद इन्हें भूख लग गई होगी, अभी दूध पियेंगे।
ये उनकी माँ है। पूरी चिल्लर पार्टी बाहर आ गई है, कैसे अंदर खेल रहे है। जो हमारा बड़ा वाला है वो अंदर ही है, हाँ वो भी बाहर आ गया। सो इन्हें बाय कर देते और वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं।